अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरोज़ खान, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, किशनबाग हर्ष महल के लोग परेशान हैं राशन नहीं होने की वजह से। आइए जानते हैं इनकी तकलीफ। देखो बेटा, यहाँ तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बच्चा तो कामा नहीं है, सब बेकार है। अब हमारे लिए कुछ करो, मदद करो, बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़रीन बात कर रही हूँ, सबके तरफ से हर्ष महल किशनबाग से बात कर रही हूँ। मेरे पास सलीम भाई आए थे परसों, मगर आके चले गए, दिए थोड़ा बहुत राशन। हर्ष महल पे आए सलीम भाई, ये आए बोल के नहीं, चार पांच गाड़ी लाए बोले, पूरा उनको नहीं मिला तकसीम। ये गली तो पूरी खाली है हमारी, खाली पूरी खाली खाली है, पूरे घरों में ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। हमारे को जा रहे खाली आ जा रहे, घरे घर एक एक खबर दिए तो बहुत अच्छा रहता। आप लोग मकान है ये गली में? बहुत से मकान है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं, बहुत से मकान है, ये गली तो पूरी खाली खाली है, कोई गली का ऐसा नहीं। गली को जा रहे हैं तो हर्ष महल जा रहे, हर्ष महल वाले बोल रहे नौ नंबर को जा बोल के। ये गलियों में भी नाते फाके बहुत हो गए, सब कोई चीज का नहीं है। सलीम भाई आके हमको पूरे घरे घर हमको तकसीम दिए तो बहुत अच्छी मेहरबानी होंगी आप लोगों की। चारा नहीं यहाँ से घर से पूरा वहाँ तक, उधर ही चार बच्चे भी घर में थे, इधर की गली कुछ नहीं आ रहा, आज से किधर ले किधर जा रहे नहीं मालूम, वो तकलीफ गुजर गया। हमारे घर गली में राशन पानी कुछ नहीं था, हमारे पूरे बच्चे परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं आया अभी तक का, सब जगह आया उधर इधर आया, मगर हमारे घर में कुछ नहीं आया। कौन है कारपेंटर आपके? सलीम भाई, सलीम भाई, सलीम भाई, सलीम भाई। दो गली किशनबाग, किशनबाग से जो कारपेंटर साहब है इधर तो आते हैं ऊपर दो गलियों में, बाकी आगे बैठे गए थे तालाब की तरफ नीचे गली में, इधर ऊपर की दो गलियों में ये तकलीफ उठाना पड़ा। 12 दिन हो गया आज हमारे, 12 दिन से बहुत परेशान है, पानी को खाना नहीं हमारे पास, सब जिसके पास जाके पूछना, सब उसके पास भी जाते बोलते, मैं तुम्हारी गली में आगे आशीमान को जाओ बोल के बोलते हैं, उधर नीचे जाके पूछे किशनबाग को जाके पूछा। हमारे हमारे बस्ती मंडल किशनबाग हर्ष महल बस्ती का नाम है, यहाँ पर पेशा पूरे गरीब लेबर मजदूर है, रोज करके खाने वाले हैं। यहाँ पर जो भी आ रहा है ईदगाह तक आ रहा है, वहाँ पर ही जो लूटा लाठी हो रही, कभी भी यहाँ तक नहीं आता, ये गली तक आता ही नहीं, कोई कोई चीज नहीं आती। यहाँ के जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पहुँचता ही नहीं, जो मुस्तहिक नहीं है उनको पहुँचता, जो भी चीज आ रही है मुस्तहिक लोगों तक पहुँचती तो अच्छा रहता। इसकी वजह क्या है बोले तो, हमारी गली है बॉर्डर पे है, राजेंद्र नगर और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के बॉर्डर पे है, रहने से यहाँ तक कुछ भी नहीं पहुँचता, यहाँ तक ना कोई पुलिस आती ना कोई कॉपरेटर आते, पर बस कोई भी नहीं आते। हमारी गुजारिश है कि तेलंगाना सीएम साहब से और एमएलए साहब से, कॉर्पोरेटर साहब से गुजारिश है कि ये गली के लोगों के लिए ख्याल करें, इनके लिए कुछ भी इंतजाम करें। ये आपके गली के कौन से कॉर्पोरेटर आते? राजेंद्र नगर के आते हैं, सलीम सलीम भाई आते। कौन है? किशनबाग कॉर्पोरेटर, किशनबाग के कॉर्पोरेटर सलीम भाई। उनसे गुजारिश है कि जो भी मजदूर पेशा लोग हैं हमारे गली के, उनको उनके हक जो भी है उनको पहुँचाए, शुक्रिया। भाई यहाँ पे कोई चीज़ की दौलत नहीं है, गरीबा है, आपको मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई भी करके में घर में बैठे हुए हैं, किसी को खाना नहीं है, खाने को पानी नहीं है पीने को, कैसा जीना यहाँ पे लोग, राशन भी तो 2-2 बजे रात को जा रहे हैं, सुबह 1-1 बजे तक बैठ के आ रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। एम साहब से अपील है यहाँ पे भी कुछ नहीं करो, एम एल ए साहब से भी अपील है हमारे कुछ ना कुछ यहाँ पे भी। नौ नंबर के बीच में वो बॉर्डर पे है, पीछे नौ नंबर में भी नहीं राशन आ रहा, हर्ष महल में नहीं आ रहा, राशन की दुकान को भी जा रहे तो राशन वहाँ पर भी नहीं मिल रहा, राशन 4 बजे रात को राशन की दुकान में जा रहे, जाके लेडीज जाके ठहर रहे, जेंट्स ठहरे तो जेंट्स को मार रहे पुलिस वाले, लेडीज ठहरे तो लेडीज को भी रोक दे रहे, जा रहे 4 बजे रात को जाके 1 बजे तक 2 बजे तक ठहर रहे, फिर वापिस आ जा रहे, राशन वहाँ पर भी नहीं मिला हम लोग को।